आपको रोकना पड़ रहा है अविनाश, क्योंकि कांग्रेस नेता राशिद अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राशिद जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। जी बहुत धन्यवाद। राशिद जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस बड़े घटनाक्रम को लेकर? देखिए, तकलीफ की बात है और चिंता की बात है जी। आरपीएन हमारे साथी थे, छोड़कर चले गए और उनका अपने इलाके में असर भी था, छोड़कर क्यों गए ये बड़ा चिंता की बात है। लेकिन पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड को विचार करना पड़ेगा कि एक एक करके लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं और ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा। इससे तो पार्टी को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और लगातार नुकसान हो रहा है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आरपीएन के जाने की हमें तकलीफ है और हम इससे कितना ही कह सकते हैं कि लगातार ये जाने का सिलसिला जो है ये कांग्रेस पार्टी को बहुत। राशिद जी, आपकी क्या बातचीत होती रही है? कुछ तो उन्होंने दर्द बयां किया हो या जिक्र किया हो या फिक्र जताई हो कि क्या चल रहा है, इतना बड़ा फैसला ऐसे रातों रात तो नहीं लिया होगा। देखिए, पिछले कई महीने से आरपीएन का ये सिलसिला चल रहा था और उन्हें रोका भी, हम लोग रोक भी देते थे कि भाई ठीक नहीं है मत जाओ। लेकिन यह है कि अगर कम्युनिकेशन गैप रहेगा, हाई कमांड को बुला के बात करनी चाहिए थी क्या है, क्योंकि ये तो आम खबर थी। मैं अभी लखनऊ में था, वहाँ पे एक बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आरपीएन तो जाने वाले हैं, तो उनसे बात नहीं हुई क्यों रहा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कम से कम ये जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की, क्या विचार करें कि भविष्य में ऐसा ना हो। तो राशिद जी, यानी एक मान ये बात है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये भारी पड़ गया है और जब अफवाहों का बाजार गर्म होता है तो संज्ञान नहीं लिया जाता है, आपके कहने का मतलब है? देखिए, मैं कहूंगा कि खास तौर से ऐसे मौके पे जबकि इलेक्शन चल रहा है और 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, 2 साल बाकी रह गए हैं, यूपी के चुनाव का बड़ा असर 2024 पे पड़ने वाला है, ऐसे मौके पे अगर इम्पोर्टेंट लीडर्स पार्टी छोड़ के जाते हैं, गोवा से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छोड़ के चला गया, ज्योतिरादित्य चले गए, इस तरीके से लगातार सिलसिला ये बंद होना चाहिए और इसको बंद करने की जिम्मेदारी निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की। आपको क्या उम्मीद दिखाई देती है राशिद जी, अगर ये सिलसिला तो वाकई अभी आज का नया तो है नहीं, लंबे वक्त से चल रहा है और कहां थमेगा ये कोई नहीं कह पा रहा है? इसको किसी भी कीमत पे रुकवाना पड़ेगा, अगर हम नहीं रुकवा पाएंगे तो इसका जाहिर है बहुत नुकसान होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि देश उन लोगों के हाथों में है कि जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, कांग्रेस पार्टी बहुत राशिद जी कमजोर हो जाएगी। कभी कभी आपको नहीं लगता कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए इकट्ठा होना या संगठन होना, एक मजबूत विपक्ष ना हो पाना, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्या कांग्रेस का कमजोर होना? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इन हालात में जबकि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, सारी एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस का मजबूत होना, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो बहुत देश के सामने दुश्वारियां खड़ी हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि भविष्य के अंदर ऐसा ना हो पाए, हमारे लोग ना छोड़ के जाएं, वरना तो निश्चित तौर से कांग्रेस कमजोर होगी और असर यूपी के चुनाव पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, इसका असर देखिए, कांग्रेस से स्टार प्रचारक जाने के बाद नफा नुकसान की जो तोल है वो बीजेपी और सपा के बीच में की जा रही है। राशिद जी, उम्मीद है कि आला कमान से बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया राशिद जी एबीपी गंगा पर जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो दुखी हैं और कहते हैं कि यहां संज्ञान लेना चाहिए था, यहां बातचीत होनी चाहिए थी, जो कम्युनिकेशन गैप रहा है वो हमेशा से रहा है। तो हमारे सहयोगी अविनाश भी बने हुए, तो अविनाश, साफ तौर पे राशिद अलवी जी कह रहे हैं कि हाई कमान से बातचीत ना हो पाना, एक कम्युनिकेशन गैप है और इसका फायदा सीधे तौर पे दिखाई देता है कि बीजेपी और सपा के बीच में।
जी बिल्कुल, इसने कहा अगर आप पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली देखिए तो उनका जो शीर्ष नेतृत्व है खासतौर से गांधी परिवार, वो फिलहाल किसी से मुलाकात नहीं कर रहा है। उनके आसपास जितने भी स्टाफ में सदस्य हैं उनको लेकर के लगातार तमाम सारे नेताओं की शिकायत रहती है कि उनका स्टाफ सही तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है, सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर रहा है। और एक दूसरी बात भी है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से यूपी में लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है, बिहार में लगभग खत्म सी हो गई है, तो यहाँ पर जो तमाम सारी पार्टी किस तरीके से स्थिति हुई है, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार ये कहते हैं कि इसमें पुराने नेताओं का बड़ा हाथ है, तो पुराने नेताओं में जो लोग बचे इसलिए शायद उनको उतनी तरजीह नहीं दी जाती, उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और यही कारण है कि एक एक करके तमाम सारे जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, जो कभी अपने अपने क्षेत्र में दबदबा रखते थे, कभी अपने अपने लोकसभा में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी कद्दावर माने जाते रहे हैं, वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने मन बना लिया है कि हम सभी अपने पुराने नेताओं से किनारा कर लेंगे और एकदम नई फसल तैयार करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी पे तो नहीं काम कर रहे कि हम रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें तो प्रियंका गांधी की रणनीति ऐसी नजर आई है, लेकिन जो नई फसल तैयार हो रही है न तो वो सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखती है, न तो कार्यकर्ताओं के पास जाती हुई दिखती है। खुद प्रियंका गांधी की अगर आप बात करें तो उंगलियों में प्रियंका गांधी के दौरे गिन सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कितनी बार वो प्रवेश की है और उत्तर प्रदेश में कितने मामलों में वो सड़कों पर दिखाई पड़ी है, उंगलियों में आप गिन सकते हैं। और लगातार जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता है वो भी दबी जुबान में लगातार यही कहते हैं कि प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती, बात नहीं पहुंच पाती, प्रियंका गांधी के मजबूत पेड़ों को संभालना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी है ये तो अब कांग्रेस ही जाने, लेकिन ये पूरे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने उत्तर प्रदेश की सियासत में। अविनाश आप बने रहिए।